जय हिंद जय भारत दोस्तों। दोस्तों चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग सिस्टम लाने जा रहा है, तो ये रिमोट वोटिंग सिस्टम क्या है और इस सिस्टम के आने से क्या फायदे होंगे, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि रिमोट वोटिंग सिस्टम है क्या। दोस्तों मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मान लीजिए दोस्तों कि आप दिल्ली में रहते हैं और आप जो निवासी हैं वो बिहार राज्य के रहने वाले हैं और वहाँ के मतदाता सूची में ही आपका नाम है और आपके राज्य में वोट पड़ रहे हैं, तो आप तो यहाँ से दे नहीं सकते हैं वोट, आपको अपना काम छोड़कर बिहार जाना पड़ेगा, तब वहाँ आप वोट दे सकते हैं। लेकिन ये जो चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग सिस्टम जो लाने जा रही है, इससे आप अपने बिहार के चुनाव में आप दिल्ली रहकर भाग ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि भारत के आप किसी भी राज्य में रह रहे हैं, वहाँ पे रहकर आप जिस राज्य के निवासी हैं और आपके राज्य के मतदाता सूची में आपका नाम है, तो आप अपने राज्य की वोटिंग में भाग ले सकते हैं। इसी सिस्टम को चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग सिस्टम कह रहा है। दोस्तों रिमोट वोटिंग सिस्टम लाने के पीछे का कारण चुनाव आयोग बताया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार देश में 45 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रवासी हैं जो अपने घर को छोड़कर अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य के शहर में काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, लेकिन उनके राज्य में जब वोट पड़ती है तो वो अपने काम काज को छोड़कर वोट देने नहीं जा पाते हैं। और इतनी बड़ी संख्या जो है, ये 45 करोड़ जो पॉपुलेशन है जो अब प्रवासी हैं, वो लोकतंत्र में भाग नहीं ले पाते हैं। इसलिए लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग सिस्टम लाने जा रही है, जिससे कहीं भी लोग रहेंगे, भारत के किसी भी राज्य में रहेंगे, वो अपने राज्य के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि आप बिहार के हैं, चुनाव हो रहा है केरल का, तो उसमें भी आप भाग ले लीजिएगा, ऐसा नहीं है। आप जिस राज्य के निवासी हैं उस राज्य के चुनाव के जो मतदाता सूची है उस सूची में आपका नाम है, तब आप अपने राज्य के चुनाव में भाग ले सकते हैं। बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार के अपने निवासी हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो आप भाग ले सकते हैं। आप यूपी के निवासी हैं, यूपी में चुनाव हो रहे हैं, आप कश्मीर में रह रहे हैं, तब भी आप वोट दे सकते हैं। तो ये रिमोट वोटिंग सिस्टम के जरिए आप इस तरह से वोट दे सकते हैं। फिलहाल केवल सर्विस वोटरों को ही पोस्टर वैलेट से वोट देने का अधिकार है। ये सर्विस वोटरों का मतलब होता है जो सेना के जवान हैं। अब सेना की बात आई है तो एक चीज मुझे याद आया है, हाल फिलहाल में ही अग्निपथ योजना पर बहुत ही अधिक बवाल चल रहा है, आप न्यूज में सुन रहे हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैं चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये 2 महीने पहले ही रक्षा मंत्रालय के द्वारा अग्निपथ योजना लाने के लिए सुझाव दिया गया था और हाल फिलहाल में इसको लागू भी कर दिया गया है। ये अग्निपथ योजना क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा या आप आई बटन से भी उसे देखकर समझ सकते हैं। दोस्तों पहले ये 3 साल के लिए योजना लाया जा रहा था, लेकिन बवाल होने के बाद इसको 4 साल करके लागू कर दिया गया है। अब फिर इस पे बवाल चल रहा है, तो इस पे क्या अपडेट आएगा इसके बारे में भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। अब आते हैं दोस्तों हम अपने टॉपिक्स पे कि रिमोट वोटिंग सिस्टम के बारे में। तो जो भी सर्विस वोटर हैं, यानी सेना के जो जवान हैं या चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं या विदेश में पढ़ने वाले लोग हैं या विदेश में नौकरी करने वाले लोग हैं, इन सभी लोगों को पोस्टल वैलेट से वोट देने का अधिकार चुनाव आयोग दिया है। लेकिन जल्द ही भारत में आम आदमी भी रिमोट वोटिंग के जरिए अपना वोट डाल सकेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि जब रिमोट वोटिंग सिस्टम भारत में लागू कर दिया जाएगा, तो अगर करने के बाद कोई व्यक्ति रिमोट वोटिंग सिस्टम के अंदर आता है, यानी किसी दूसरे राज्य में रहता है और वोट नहीं देता है, तो उस पर नकेल कसा जाएगा। किस तरह से नकेल कसा जाएगा, ये अभी चुनाव आयोग की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है।
जिस तरह दोस्तों कोई कोरोना का वैक्सीन नहीं लिया था तो उस पर सरकार के द्वारा अलग अलग तरह से प्रतिबंध लगाया गया था कि अगर आप कोरोना का वैक्सीन नहीं लेते हैं तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आपके पास कोरोना के सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्लेन में नहीं जा पाइएगा, अगर आपके पास कोरोना के सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ट्रेन में नहीं जा पाइएगा। इस तरह से अलग अलग प्रतिबंध सरकार के द्वारा लाया गया था। उसी तरह हो सकता है कि जब रिमोट वोटिंग सिस्टम सरकार चुनाव आयोग के द्वारा लागू कर दिया जाए, अगर वोट नहीं देते हैं तो आप पर भी इस तरह की कुछ प्रतिबंध चुनाव आयोग के द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन अभी यह क्लियर नहीं किया गया है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों दुनिया में एस्टोनिया ही एक ऐसा देश है जहां मतदाताओं को ऑनलाइन वोट देने का अधिकार है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, पीरो, ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देश अपने बुजुर्ग मतदाताओं को, बुजुर्ग निवासियों को और विकलांगों को ऑनलाइन वोटिंग देने का सुविधा रखा है, यानी रिमोट वोटिंग की सुविधा दे दिया है। इस तरह दोस्तों अब भारत भी जल्द ही अपने प्रवासी मजदूरों को रिमोट वोटिंग सिस्टम लाने जा रही है, यानी चुनाव आयोग जल्द ही इसका ऐलान करने वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।